नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, आपकी सेहत की दोस्त। आज आपसे बात करूंगी एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है डायबिटीज। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक इलनेस होती है जो ना सिर्फ अपने में एक बीमारी है, बल्कि अपने साथ साथ ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है जो हमारी सेहत के लिए इन द लॉन्ग रन काफी खतरनाक साबित होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार 2021 में भारत में करीब 7,42,00,000 लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये संख्या 2 से 3 गुना तक हो सकती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें से बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो चुके हैं। पता उन्हें तब चलता है जब वो किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर को विजिट करते हैं और वहां टेस्ट में पता चलता है कि वो तो डायबिटिक हो चुके हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि इसके बाद उन्हें लाइफ लॉन्ग दवाइयां खानी ही पड़ेंगी। तो आज ये वीडियो इसी बारे में है कि आखिर में हम अपने को डायबिटिक होने से कैसे बचा सकते हैं, क्या होता है प्री डायबिटिक फेज, इसके लक्षण क्या होते हैं, और क्या ऐसे सुधार और ऐसे आदतें अपनाई जाएं जिससे कि हम प्री डायबिटिक से नॉर्मल वापस जो ब्लड शुगर लेवल हो उसको पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अचानक से डायबिटिक नहीं हो जाता, यानी वो डायबिटिक नहीं कहलाता। उसके पहले एक चरण होता है जो कि कुछ वर्षों तक चलता है, इसे कहा जाता है प्री डायबिटिक फेज। यानी वो एक ऐसा लेवल होता है जहां आपका ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ तो है, लेकिन आपको डायबिटीज की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता और ब्लड शुगर पूरी तरीके से नॉर्मल भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्री डायबिटीज के मुख्य कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि आप प्री डायबिटिक हैं, क्या क्या इसके टेस्ट होते हैं जिससे कि कंफर्म किया जा सके कि आप प्री डायबिटीज के फेज में चल रहे हैं। दोस्तों, इसके दो बेसिक टेस्ट होते हैं, दो बेसिक तरीके होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक फेज में हैं। सबसे पहला होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। हमें यहां फास्टिंग ब्लड शुगर पे ध्यान देना है। खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर देखा जाता है उससे नहीं निर्धारित किया जाता। फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है नॉर्मली आपका 80-90 mg/dL होना चाहिए, लेकिन जब आप प्री डायबिटिक फेज में होते हैं तो कई बार लगातार टेस्ट कराने पर पता चलता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 mg/dL के बीच में रह रहा है। ये होता है प्री डायबिटिक फेज। सेकेंड जो टेस्ट होता है इसे कहा जाता है मार्कर टेस्ट, यानी HbA1c। ये एक ऐसा एवरेज टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि विगत 3 महीनों में हमारा जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो कितना था। ये परसेंटेज में देखा जाता है और ये अगर 5.7% से 6.4% के बीच में आ रहा है तो देन यू आर प्री डायबिटिक। दोस्तों, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, आखिर ये डेवलप कैसे हुआ, इसको भी आपको जानना चाहिए। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास हमारी बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन होता है जो कि एक हार्मोन बनाता है जिसे कहा जाता है इंसुलिन। हमारे शुगर को रेगुलेट करने के लिए, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को सही रखने के लिए इस इंसुलिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। होता क्या है प्री डायबिटिक फेज में कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर इस इंसुलिन के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप कर जाती है, यानी कि एक रुकावट डेवलप कर जाती है कि वो अपने ऊपर उसको काम नहीं करने देता। नतीजा क्या होता है कि कुछ सालों तक अगर ये कंडीशन बनी रहे तो आप प्री डायबिटिक फेज में कहलाए जाते हैं। धीरे धीरे करके जब ये बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके इंसुलिन लेवल को इसी तरह बढ़ाए रखता है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आपके पैंक्रियास जवाब दे जाते हैं और इंसुलिन सिक्रीट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। दोस्तों, यही वो फेज होता है जब पैंक्रियास इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देते हैं और इसे कहते हैं डायबिटीज। तो देखा आपने किस चरणबद्ध तरीके से, यानी शुरू शुरू में जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हुआ तो इंसुलिन भी बढ़ता है उसको मैनेज करने के लिए, सेल्स के अंदर एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट पैदा होती है क्योंकि इंसुलिन भी अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो एक टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है, और कुछ सालों तक अगर ये बढ़ा हुआ इंसुलिन बना रहे तो आप प्री डायबिटिक फेज में कहलाते हैं, और धीरे धीरे करके इस बढ़े हुए इंसुलिन के कारण
पैंक्रियाज एक दिन जवाब दे जाते हैं और इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसे कहते हैं डायबिटीज। तो इसके कुछ होते हैं कुछ विशेष लक्षण जिन्हें आपको जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं, पहचानते हैं, तो जरूर इसके लिए आप कुछ उपाय अपनाएंगे, कुछ तरीके अपनाएंगे, जिससे कि आप प्री डायबिटीज से वापस रिवर्स होकर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल तक पहुंच सके। दोस्तों, इसके जो साइंस होते हैं वो थोड़े सटल होते हैं, यानी बहुत क्लियर कट साइंस नहीं होते हैं। कुछ कुछ साइंस तो अननोटिस्ड चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक स्ट्रांग इंडिकेशन है कि आगे चल के आपको डायबिटीज हो सकता है। सबसे पहली चीज है आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, आपकी फैमिली में लगातार ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, यानी बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। सेकेंड ये कि अगर आपको मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, साथ स्पेशली आपको व्हाइट शुगर चीनी खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आप ओवरवेट हैं, यानी आपका वेट बढ़ा हुआ है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, अपने खान पान में बिल्कुल भी पौष्टिक चीजें नहीं लेते हैं, खान पान में आप तेल मसालेदार भोजन, चीनी वाली चीजें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, तो आपको डायबिटीज होने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो सबके अंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों के अंदर दिखाई देते हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण सिम्टम होता है त्वचा का, यानी स्किन का काला पड़ना। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्री डायबिटिक फेज में गर्दन के पिछले भाग में स्किन काली पड़ने लगती है, एक्जिला यानी आर्म पिट के पास स्किन काली पड़ने लगती है, आपके नक्कल्स काली पड़ने लगते हैं, आपके नीज, आपकी एल्बो और आपके पैर के टखने भी काले पड़ने लगते हैं। ये एक प्री डायबिटिक फेज हो सकता है। सेकेंड, अगर आपको अनावश्यक बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही, थकान लग रही है, आप सब कुछ खा पी रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में आप थक जा रहे हैं, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ने में थक जा रहे हैं, हल्का फुल्का काम करने में थक जा रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस है आपको, तो इट मे बी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटिक फेज। थर्ड ये है कि अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, यानी कि आपकी बहुत ज्यादा सिडेंट्री लाइफ है, आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं है, तो भी आप प्री डायबिटिक फेज में हो सकते हैं। अगर आपको रात में यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ता है, एक से दो बार आप जरूर जाते हैं, देन यू मे बी प्री डायबिटिक। तो दोस्तों, ये तो हुई कुछ बातें साइन एंड सिम्टम्स की, कॉजेज की, कैसे हो गया प्री डायबिटीज और डायबिटीज। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में हमें कौन सी आदतें अपनानी है जिससे कि हमें इस प्री डायबिटिक फेज से वापस नॉर्मल स्थिति में जाने में मदद मिले। सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी कार्बोहाइड्रेट से हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है। एक तरीका और है कि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, तो इससे हमें काफी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट को आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और साथ ही साथ व्हाइट चीनी, यानी कि जो शुगर होती है, उसको आपको हर हाल में कम करने का प्रयास करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीनी ही है, व्हाइट शुगर ही है, जो बहुत तेजी से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है। खासतौर से उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जिन्हें मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। हफ्ते में 5 दिन आपको 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करनी है और किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में, माइल्ड जॉगिंग में, रनिंग में, एरोबिक एक्सरसाइज या योगा वगैरह जरूर करना चाहिए। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप कोई ना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व होइए। साथ ही साथ अपने खान पान में रंग बिरंगी हरी सब्जियां और साथ ही साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। दोस्तों, ये जो विभिन्न प्रकार की जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, इनके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें प्री डायबिटिक फेज से बचाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये थी हुई कुछ जानकारी प्री डायबिटिक और डायबिटिक फेज के बारे में, क्या लक्षण होते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी हैबिट्स को अपनाना चाहिए जिससे कि आप नॉर्मल अवस्था में जा सकें, अपने को डायबिटिक होने से बचा सके, और इतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम डायबिटीज को कुछ सालों तक तो अपने से दूर कर लीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक अप्रोच की।
होम्योपैथी में डायबिटीज के लिए भी और प्री डायबिटिक फेज दोनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। इनको लक्षण के आधार पर प्रयोग किया जाता है, पेशेंट के सिम्टम के आधार पर प्रयोग किया जाता है। एसिड फॉस, यूरेनियम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्प, सीजिजियम जैम्बोलैनम वगैरह ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो कि सिम्टम के बेस पर अगर यूज की जाती हैं तो प्री डायबिटिक फेज से इसे नॉर्मल में बिल्कुल अच्छी तरीके से लाया जा सकता है और पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज हो जाने के बाद हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं इसे क्योर कर दिया जा सकता है। उम्मीद करती हूं कि आज का डायबिटीज के ऊपर जो बेस्ड मैंने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया है ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा फेवर जरूर करिएगा कि मैंने इस प्रयास को इसलिए किया कि मैं कुछ लोगों को, एक अगर मुट्ठी भर लोगों को भी मैं डायबिटीज होने से बचा सकूं अपने वीडियो के माध्यम से तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, खास तौर से उन लोगों को जिन्हें मीठा खाने की, यानी जिन्हें स्वीट टूथ है और वो घड़ी घड़ी मीठा खाने की आदत होती है। ऐसे ही कुछ जानकारी वर्धक वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।